सेविका एक समाज का ऐसा नाम जो जहन में आते ही हमें अक्सर ये सोचने को मिल जाता है कि हम समाज को किन किन विचारधाराओं के चलते, किन किन शस्त्रों के चलते हम उसको संवारेंगे। इसी के साथ इस वक्त हमारे साथ बात करने के मौजूद हैं एक ऐसी समाज सेविका जिनके बारे में आपको बता दूं, ट्रैफिक, इस पर आपको बता दूं एक मूवी भी बनी है जिसमें मनोज वाजपेयी एक्ट्रेस जो एक्टर है उन्होंने काफी उम्दा किरदार निभाया है। इन्होंने ट्रैफिक को भी समझा है, कानपुर शहर का ऐसा ट्रैफिक जो कि समझने में काफी अलग लगता है। अब देखना ये होगा कि एज अ सोशल वर्कर आइए इनसे जानते हैं कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा इनका इंडिविजुअल ट्रैफिक को लेके एज अ सोशल वर्कर। मैम बहुत बहुत स्वागत है इंडिया लाइव टीवी में। आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंट्रो दो और हमें बताओ कैसा क्या एक्सपीरियंस आपका रहा एज अ सोशल वर्कर में, खासतौर पर कानपुर जैसे शहर। मेरा नाम ज्योति शुक्ला है और सपोर्ट फाउंडेशन मेरा एनजीओ है, इसमें मैं खुद अध्यक्ष हूँ। और मैंने 4-5 बार ट्रैफिक के बारे में जागरूकता का अभियान चलाया है। लोगों को कानपुर में लोगों को समझाना बहुत ही मुश्किल है और वो भी प्यार से। मैंने इस बार तो एनसीसी के तकरीबन 40 बच्चों को लेकर ट्रैफिक और पॉल्यूशन के बारे में लोगों को जागरूक किया है। जागरूक आपने किया तो अभी आपने हमें हमसे शेयर करा था कि आपने कानपुर के ट्रैफिक को समझा, तो उस विषय में हमारी जनता को आप बताओ कि क्या खामियां कानपुर की, क्योंकि अभी एक ऐसा रूल दिया गया है एसपी ट्रैफिक द्वारा कि अब खासतौर पे बड़े चौराहे जो हार्ट लाइन कहा जाता है वहां पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पीछे ही हमें अपने वाहन स्टे करने होंगे, तो आपने क्या सारी चीजें उसमें देखी, क्या आपने ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्व किया कि लोग सुनते ही नहीं ट्रैफिक पुलिस वाले की, जब तक वो हाथ देता देता है जेब्रा क्रॉस हो जाती है, गाड़ी आगे आ जाती है और बकायदा जाम लगना शुरू हो जाता है, इधर से भी पासिंग हो रही। तो पर्टिकुलरली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस अपने आप में बहुत अच्छा काम कर रही है, धूप में खड़े होकर पूरा दिन इतने ट्रैफिक को झेलना और प्रदूषण को झेलना बहुत छोटी बात नहीं है, पर आम जनता ही नहीं जागरूक है, यहाँ पर बात को सुनना ही नहीं चाहती, समझना ही नहीं चाहती है कि हमें खुद में अपने आप में फॉलो करना चाहिए ट्रैफिक के नियमों को। और इसी अनियमित वाहनों से प्रदूषण बढ़ रहा है, जो गाड़ियां जब रोकी जाती है तो बकायदा स्टार्ट रहती है, बाद पीछे से धुआं भी निकल रहा है, ट्रैफिक वो गाड़ी की सर्विस भी नहीं होती है और सारा पॉल्यूशन फैलता चला जा रहा है। और इस अभी तो फर्स्ट नंबर पर अपना कानपुर आ गया है पॉल्यूशन। ज्योति जी, कोई ऐसा आखिरी मैसेज कानपुर वासियों को जो आप देना चाहते हो? बस इतना ही बोलना चाहते हैं कि आम जनता, हम धूप में खड़े होकर काम कर रहे हैं तो उसको समझें और जानें। बहुत बहुत धन्यवाद से बात करने के लिए। ये थी एक समाज सेविका ज्योति जी, उन्होंने दो अहम बिंदुओं पे अपनी जो बेबाक राय रखी वो ये थी कि अगर हमें ट्रैफिक को समझना है तो हमें पूरा जोर देना होगा अपने एक्टिविटी पे, क्योंकि बहुत ही आगे अभी हम लोग अगर किसी भी टेलीकॉम कंपनी को कॉल करते हैं तो वो लोग हमसे सबसे पहले यही पूछते हैं कि क्या हम सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग करते हैं, तो यही कई सारी चीज़ें अहम इम्पॉर्टेंट हो जाती है अपने लिहाज से। इसी के साथ आकाश इंडिया लाइव टीवी कानपुर।